फाइनली बैक ऑनलाइन। एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ ऑल गुड। सॉरी, ये आज वाकई यूट्यूब जो सता रहा है, ऐसा लग रहा है कि ओके सैम हेल्प यू विद व्हाट भाई। मेरा नंबर ईमेल लिखो, मैं देता हूँ। ऑनलाइन इंडिया बार बार लाइव आ रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब है और मेरे पास बैंडविड्थ है, तो मैं बार बार लाइव आ रहा हूँ भाई। तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, चले जाओ, ठीक है। ईमेल लिखो, मैं नंबर देता हूँ। ईमेल लिखो indthenameofpower@gmail.com। ईमेल लिखो, मैं नंबर देता हूँ, ठीक है। देखो भाई, पिछला वीडियो पूरे का पूरा डिलीट हो गया, सो दैट वॉज कम्प्लीट वेस्ट ऑफ एनर्जी, तो उसकी वजह से वापस आना पड़ा। आई होप आवाज़ ठीक ठीक आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो फिर आप फिलहाल एडजस्ट कर लो। आई नीड टू रियली वर्क ऑन दिस। मैसेज तो सिंपल है भाई, देखो कल जश्न के लिए ऐसी कोई भी हरकत ना करो जिससे शहर का माहौल ख़राब हो। जहाँ तक हमें पता चला है, ये पता चला है कि भाई गुड़गांव, दिल्ली, हरियाणा के कई शहर, जयपुर, राजस्थान में दो चार शहर, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, देखो भारतीय जनता पार्टी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उनको अच्छे से मालूम है कि वो पूरी तरह से हार गए हैं, वो हर तरह का हथकंडा आजमा रहे हैं, एंड दे आर स्केयर्ड टू डेथ। तो पता चला है कि काफ़ी सारे कार्यकर्ता जमा हुए हैं इस नीयत से कि दंगा करेंगे। तो मुझे अगर कोई सूचना मिलती है तो मैं लोगों तक पहुंचाना ज़्यादा पसंद करता हूं। तो कल सेलिब्रेशन इतना ज़्यादा भी ना कर लो कि किसी को तकलीफ देगा, मसला हो जाए। और यू नो आई होप यू अंडरस्टैंड, आई मीन पिछले मैसेज में मैंने क्लियरली कहा था कि सेलिब्रेशन करना है तो अनाथालय चले जाओ, वृद्धाश्रम चले जाओ, या फिर जवानों के रिटायर या वेटरन्स जो होते हैं, वॉर वेटरन्स, उनके पास चले जाओ, या नहीं तो अस्पताल चले जाओ, वहाँ जाके मरीजों के साथ सेलिब्रेट करो। गो समवेयर वेयर यू कैन फाइंड पीस, ओके, गो समवेयर वेयर यू कैन फाइंड पीस, ठीक है। तो ये कर लेना। दूसरी चीज़, सुबह से ही यानी चुनाव आयोग ने फिर एक पलटी मार ली, 21-22 पॉलिटिकल पार्टी जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट डाल रही थी कि जो वीवीपैट की स्लिप है वो पहले गिन लिए जाए, और उसके बाद में अगर उसमें मिसमैच होता है या कोई चीज़ ऐसी होती है तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी की सारी पर्चियाँ गिनी जाए। But the entire idea was disconnected. The idea was rejected. So, क्या है कि you know they completely lost it. चुनाव आयोग हर तरह की हथकंडे आजमा रहा है कि EVM का जो किस्से कहानियाँ हैं, जो राज है वो राज ही रह जाएँ, और you know इनको किसी किस्म का कुछ मिले नहीं। तो you know there'll be a lot of chaos tomorrow during the counting. So please अपने दिमाग को ठंडा रखो, पानी वानी ले जाओ। अगर काउंटिंग सेंटर के आसपास जा रहे हो तो जस्ट बी केयरफुल, डोंट गेट इन्वॉल्व इन टू एनीथिंग फिजिकल। तो प्लीज़ वो एक कर लेना। अदर देन दैट, मेरा आज यूट्यूब बहुत सताया है। इट वाज लिटरली यू नो देयर वाज सो मेनी मालवेयर्स और देयर सो मेनी ट्रोजन इन माय फोन, इन माय मैक, सारा जो है सो आज
वायरस वायरस खेल रहे थे कोई मेरे साथ, गलती मुझसे हुई। मैं हर ईमेल खोल के पढ़ने की कोशिश करता हूँ जिसमें अर्जेंट कॉल मी लिखा होता है, तो इट वॉज माई मिस्टेक। तो अर्जेंसी कुछ भी नहीं थी, लेकिन इट वॉज एन अटैक ऑन माई कंप्यूटर। सो नाउ इट्स फिक्स्ड अल्हम्दुलिल्लाह, और थैंक यू तुम्हें रह गया। तो 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो धन्यवाद तमाम लोगों का जो सब्सक्राइब करके हैं, धन्यवाद उन लोगों का जो सब्सक्राइब कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रोल करने के लिए, और यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रोल मारने वाले भी हैं। इवेंचुअली कल इट्स गोना बी अ बिग डे फॉर एवरीवन, सो प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ, इट्स गोना बी अ सरप्राइजिंग डे इंशाल्लाह। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कल। मैं 10:30-11 बजे से आप लोगों के बीच में रहूँगा इंशाल्लाह। रात को जब पूरे नंबर पूरी तरह से निकल के आ जाएँ, तो रेगुलर इंटरवल्स पे मेरे चैनल पे आई ऑल्सो प्रोमिस शंभू के साथ भी बैठूँगा, वो पल पल न्यूज़ वालों के साथ भी बैठूँगा। होपफुली इफ एनी इंडियन मीडिया चैनल इज इंटरेस्टेड टू सी द रियल नंबर्स विद द एग्जिट पोल, तो अगर वो इन्वाइट करना चाहते हैं तो innamepower@gmail.com उसके ऊपर ई मेल लिखें, तो वी कैन शेयर और एक्सचेंज द नंबर्स। ठीक है, काफ़ी सारे के पास मेरा नंबर ऑलरेडी है, सो वी कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट द नंबर। तो बहरहाल मुख्तसर मुफीद यही था कि कल अपने दिमाग को ठंडा रखो, जश्न के माहौल में ये ऐसा कोई काम मत कर लो जिससे माहौल ख़राब हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता कल दंगा फसाद या माहौल ख़राब करने की नीयत से जमा हो रहे हो, तो भाई प्लीज़, अब देश अपना है, मुल्क अपना है, हम भारत माता की जय बोलते हैं, तो उसका थोड़ा सा लिहाज रख लो। तुम किसी और को नहीं, अपनी माँ को तकलीफ़ देने की कोशिश करो, माँ के कोई भी बच्चे को तुम तकलीफ़ देने की कोशिश करोगे माँ को ही तकलीफ़ होगी। तो प्लीज़, ये तुम्हारे भाई हैं, हाँ तुम्हारी हम वतनी हैं, तो कुछ भी ऐसा ना करो जिससे एक दूसरे को तकलीफ़ हो। हार जीत ज़िंदगी में लगी रहती है, आज हार गए कल ईमानदारी से बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव करा के देख लेते हैं कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। तो इंशाल्लाह देखो हार जीत लगी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हार गए तो तुम लड़ने झगड़ने के लिए चले जाओ, तो ये मत करो। उसके अलावा तुम्हें जो करना है करो, मोदी जी को ज़रा संभाल के रखो। सुनने में आया है कि उनकी तबीयत भी बहुत नासाज है, बहुत ज़्यादा परेशान होकर बैठे हुए, तो मोदी जी को भी कहना कि परेशान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो सुलझाई नहीं जा सकती। और ये भी खबर मिली है कि जो डेफेमेशन केस अनिल अंबानी डाले थे नेशनल हेरल्ड पे, वो वापस ले लिए, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी अखिलेश यादव के पिताजी को, मुलायम सिंह यादव को, और कई सारे ऐसे डेवलपमेंट है जो आहिस्ता आहिस्ता निकल के आ रहे हैं। सो दिस इज रियली हैपनिंग। तो अगेन सारे इकट्ठा हो, ये हमारा मुल्क है, पार्टीवाद में हम लोग एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो पार्टी वार्टी की बातें बाद में करेंगे। सो यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट विक्ट्री फॉर इंडिया, तो ये हिंदुस्तान की जीत है, ये हर आम आदमी की जीत है जो इनको गद्दी से हटाना चाहता था। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी एवरीवन सेलिब्रेटिंग इन अ वेरी पीसफुल मैनर। तो प्लीज़ यू नो अपना संयम बनाए रखें, कोई भी जज्बात में कोई भी ऐसा जुमला ना बोल दें, कोई भी ऐसी गुफ्तार ना कर दें, कोई भी ऐसा एक्शन ना कर दें, कोई भी ऐसा काम ना कर दें जिसकी वजह से शहर का या मुल्क का माहौल ख़राब हो। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आज तो मैं वापस लाइव पे नहीं आऊँगा, मुझे भी थोड़ी देर सोना है, फिर कल सारा रात बैठना पड़ेगा मुझे। तो सो साइनिंग ऑफ फॉर द डे, एंड अगेन थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी who happens to support me, believe in the mission. मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, अब यहाँ चुनाव हो गए हैं, ये सरकार से हट गए, अब जो भी सरकार बना रहा है जैसे भी बना रहा है, लेकिन हमारा मकसद, हमारा मिशन ये सिर्फ EVM तक नहीं था, और इंशाल्लाह आगे अच्छी सरकार और आगे ये जो भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर चलता है, ज़मीनी स्तर पे जो भ्रष्टाचार चलता है उसको भी ख़त्म करेंगे, लोगों के
भलाई के लिए जो कर सकते हैं उनके साथ रह के करेंगे, भले ही पूरी तरह से जुड़ ना पाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जुड़ेंगी। तो इंशाल्लाह आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी एवरीवन टुगेदर, नॉट एज ये पार्टी वाला वो पार्टी वाला, नहीं, सब मिल के एक साथ हिंदुस्तानी बनकर हिंदुस्तान को पुनर्निर्माण के लिए हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये शुरुआत है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी एवरीवन कमिंग फॉरवर्ड टू टू टेक दिस थिंग टू अनदर लेवल। तो अगेन मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और तमाम का जो हम मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए या मेरी टीम वालों के लिए जो दुआ कर रहे हैं, उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोगों के हक में भी दुआ करता हूँ। जो मेरे हक में दुआ कर रहे हैं मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ, और जो मेरे हक में दुआ नहीं कर रहे हैं मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें नेक और साले बनाए, तुम्हारी परेशानी भी दूर करे, तुम भी हमारे भाई हो, मैं हमारी बहन हूँ, तो तुम्हारे लिए भी हम दुआ करते हैं कि तुम्हें अक्ल दे, तुम्हारे आँखों से अंधभक्ति की जो पट्टी बनी हुई है वो खोल दे, और आगे काफ़ी सारी चीज़ें करनी हैं। तो होपफुली विल कैच अप सून, और अल्लाह खैर का मामला रखे। आज कोई लाइव नहीं करूँगा, लेट मी फिक्स दिस थिंग, लेट मी फिक्स व्हाटएवर इज गोइंग ऑन विद माय कंप्यूटर्स एंड यूट्यूब अकाउंट। तो इंशाल्लाह कल सुबह 10:30 बजे से जुड़ूंगी आप लोगों से, एंड वी विल कंटिन्यू टू इंटरेक्ट एज वी गो फॉरवर्ड, हैव द नंबर स्टार्ट टू फ्लो डाउन। ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर। कोई अगर मेरा नंबर पूछ रहा है तो भाई पहले मैंने नंबर दे दिया है 321-234-5075। तो जो हजरात नंबर पूछ रहे हैं उनके लिए +1-321-234-5075 वो मेरा नंबर है। व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, तो मैसेजेस का रिप्लाई करना मुश्किल होता है। जो कॉल आता है मैं उठा लेता हूँ, अब उसके पीछे अगर 10 कॉल मिस होते हैं तो मैं देख भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि फिर दूसरा कॉल आ जाता है। तो गालिबन आप लोग समझ सकते होंगे कि सिस्टम भी देखो, फ़ोन भी देखो, थोड़ा तकलीफ दे लेता है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं कल, और कल सारे नंबर निकल के आएंगे। ये मेरा टेस्ट नहीं है, देखो ये टेस्ट मेरे लिए नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये मेरा टेस्ट है, मैंने अपना काम कर दिया। टेस्ट तो उन लोगों का है जिनके यकीन में फ़र्क था, जो यकीन नहीं करते थे रब की ज़ात पे, यकीन नहीं रखते थे, जो अपने आप पे यकीन नहीं रखते थे। देखो जो लोग वोट जाके डाले उन्हें पता है कि ज़मीनी स्तर क्या है, ज़मीनी रियलिटी क्या है, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पिटी। जेन्यून अगर देखा जाए तो उनको तो बहुत ज़्यादा 2 डिजिट के अंदर ही समझ के रखे थे, लेकिन हम नाकामयाब हुए कहीं पर, तो उनको वहाँ पर कामयाबी मिल गई है। वी फेल्ड समवेयर एंड दे सक्सीडेड इन 170+ seats NDA कम्बाइंड टुगेदर। तो इंशाल्लाह ये तो होगा। और हरमीत परमार जी काफ़ी देर से मुझे कॉल भी कर रहे हैं। देखो पंजाब वालों को ये मैसेज सुना देना कि इंशाल्लाह हम पॉलिटिकल पार्टी लेके नहीं आ रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी लेके नहीं आ रहे हैं, कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, हम भारतीय जननीति पे काम करेंगे। ये पार्टी नहीं है, हम भारतीय जननीति पे काम करेंगे। राजनीति हर एक राजनीति ही कर रहा है, हम जनता के साथ जननीति करेंगे। ये नारा कल भी लगाया था, मैं आज भी कहता हूँ, बहुत हुई राजनीति, अब करेंगे जननीति। मैं सरकार, मैं ही सरकार, तो हर एक सरकार का हिस्सा है वो खुद सरकार है। ये भारत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार, ये मजाक बहुत हो गया। अब ये भारतीय सरकार बनाते हैं, भारतीय जनता के साथ सरकार बनाते हैं। डेमोक्रेसी के ट्रू मीनिंग वी विल ब्रिंग इट डाउन, विल ब्रिंग डाउन द फेक डेमोक्रेसी, एंड वी विल राइज फॉर द एक्चुअल डेमोक्रेसी। वी द पीपल हु कैरीज द पावर, हम सारे भारतीय जो खुद सरकार हैं, हम इसके साथ काम करेंगे, और इंशाल्लाह सबको अच्छा जीवन या अच्छी सरकार या अच्छी देश की चाहत तो सबको है, लेकिन मिलता किसी को नहीं है।
ये तो वो लॉटरी का हिसाब हो गया, आपने लॉटरी का टिकट खरीद लिया ये सोच के कि लॉटरी उठेगी, लेकिन उठती किसी किसी को है, और वो कोई जो लॉटरी खरीदता नहीं है उसको उड़ जाती, जैसे कि नेता या फिर सरकारी नौकर या उद्योगपति, इन्हीं की लॉटरी उठ रही है, इन्हीं की लॉटरी उठ रही है। पिछले दो दिन में एग्जिट पोल की वजह से जो मार्केट में उछाल आया है, दो दिन में 6,000 करोड़ हो गया था, आज का टोटल जो जो अभी तक का बिजनेस हुआ है चंद कंपनियों का, वो करीब टोटल मिला तो 12-13 हज़ार करोड़ का फायदा हो गया हमको। तो ये तो एक किस्म का स्कैम था, दे रिकवर्ड लॉट ऑफ मनी फ्रॉम, या काला पैसा सफेद पैसा जो भी बोलते हो, ये पैसा डंप किया गया है मार्केट में। तो ये बहुत बड़ा, बहुत आला दर्जे का स्कैम था, और इंशाल्लाह कल, खैर देखो 17-18 घंटे रह गए हैं गिनती शुरू होने में, और जैसे भी गिनती करें, पहले वी पैट करें या बाद में वी पैट करें, डज नॉट मैटर, ये हार गए। इंशाल्लाह कल कोशिश यही रहेगी कि इससे कम किया जाए नंबर। तो ये तो जा रहे हैं, और अब जो आएगा वो आएगा, ये लोग क्या चलाएंगे वो तो नहीं पता, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मुल्क लोगों के साथ लेके चले। मुल्क चलाना राजनीति तो कोई भी करता है, अंगूठा छाप भी राजनीति कर रहा है, क्लाउड में रेडार देखने वाला भी या रेडार की नई टेक्नोलॉजी बनाना भी राजनीति कर रहा है। ये तो होता जा रहा है मुल्क में, ऐसा कोई वक्त नहीं है जो राजनीति नहीं होगी, मुद्दों के साथ लोगों के साथ राजनीति तो होती है। अगर वाकई डेवलपमेंट करना चाहते हो, विकास करना चाहते हो, लोगों का वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो, तो ये पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ दो, सब एक साथ होके अगर निकलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारा फायदा होगा, सबको फायदा होगा, देश को फायदा होगा। देश को हर बार लूटा है, अंग्रेज लूटे, उससे पहले कोई और लूटा, उससे पहले कोई और लूटा, लेकिन आज भी हमारा देश सबसे अमीर देश है, दुनिया का सबसे अमीर देश भारत देश है। इंडिया इज द रिचेस्ट कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। अगर ये पैसा एक जगह करें ना, तो हम अमेरिका के बराबर हो जाएंगे, भले ही हमारे पास सुपर पावर जितना एक्सपोजिव नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसी से कम नहीं है। कम करते हैं तो सिर्फ ये राजनेता, सरकारी नौकर और उद्योगपति हमें कम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा मकसद कुछ और है, हम मुल्क की वाकई ग्राउंड रियलिटी के साथ चलते हुए ग्राउंड लेवल के ऊपर तरक्की जाते हैं, और मुमकिन है, सब साथ होंगे तो मुमकिन है, और सबको साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं मोदी की तरह नारेबाजी नहीं करेंगे, हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह। वक्त लगेगा हमें यकीन है, लेकिन लोगों को यह सच्चाई समझ में आएगी। तो अब जो भी सरकार बना रहा है उनका जीना हराम करने के लिए कई लोग हैं जो आप पकड़ के बैठेंगे, और सबसे आगे इंशाल्लाह मैं रहूँगा, भले ही मैं मुल्क में नहीं हूँ लेकिन मुल्क के लिए हूँ, फॉर मी एंड माइन, ये मेरे लिए है या ये मेरा है, ये दो अलग अलग चीज़ें होती। ये फ़ोन अगर मैं लीज पे लेता हूँ, ये मेरे लिए है, मुझे वापस करना पड़ता है 2 साल के बाद में, दूसरा देते हैं वो लोग, लेकिन ये फ़ोन मेरा है, मैं इसके साथ कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे लिए और मेरे में फ़र्क है। देश की सरकार तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हारी नहीं हो रही है वो, देश तो तुम्हारा है ना, तुम्हारा अपना देश है, मेरा अपना देश है, सरकार तुम्हारी अपनी है, मेरी अपनी है, लेकिन जो सरकार चला रहा है वो हमारे नहीं है ना, हमारे लिए है। तो अब इनको हटाया जाएगा, हम खुद सरकार चलाएंगे, और कैसे चलाएंगे देखो इंशाल्लाह, ठीक है। ये तो खैर कुछ वक्त में चीज़ें साफ नज़र आ ही जाएंगी, हक और सच्चाई के साथ अगर आप सवाल करो तो सवाल का जवाब देने की सलाहियत भी रहती है, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी, खैर इसके ऊपर इंशाल्लाह कल शाम के बाद में डिस्कशन होगा। पिछले 2 महीने लोगों ने बहुत 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 दुआएं की हैं, बहुत परिश्रम किया है, तो इंशाल्लाह कल सबको सुकून नसीब होगा, और आगे हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, उसका डिस्कशन ये 2-3 दिन छोड़ते हैं, अच्छा माहौल बनाए रखते हैं इंशाल्लाह, और उसके बाद अल्लाह खैर का मामला रखे, हम लोग जो करना है जैसे करना है, सबके साथ बैठ के, सबके साथ डिस्कस करके,
8-9 हज़ार लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग देखते हैं, तो सबके साथ बैठ के उनका सुझाव लेंगे। एक पोर्टल तैयार है, वो विल गो लाइव विद द पोर्टल इंशाल्लाह, तो जहाँ पे लोग जुड़ेंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं, ये मुल्क के लोग मुल्क के लिए जुड़ रहे हैं, मुल्क के लोग मुल्क के लिए जुड़ रहे हैं, ये किसी पार्टी के लिए, ये पार्टी भक्ति के लिए या मुझे हीरो बनाने के लिए या मुझे सेलिब्रिटी बनाने के लिए नहीं। नहीं, सब सेलिब्रिटी हैं, हर एक सेलिब्रिटी है, उसमें हर एक में एक ये खूबी है कि वो इंसान है। सबसे बड़ी खूबी वही है, खलकल इंसान है, अहसनी तकवीम, इंसान की तकवीम जो थी, इंसान की जो खलकत थी, इनका इंसान की जो पैदाइश थी, वो बेहतरीन, सबसे बेहतरीन चीज़ थी। तो इंशाल्लाह आगे ये बेहतर इंसान हम बन के बताएंगे, और इंसान अगर बेहतर हो जाए तो मुल्क बेहतरीन हो जाता है, अगर इंसान बेहतर हो जाए तो मुल्क उसका बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि वो दूसरों से मोहब्बत करने लगता है और मुल्क से वाकई सच्ची मोहब्बत नहीं होती आती। तो ये बहुत आसान है, इट्स हैप्पी टू बी, वो क्या कहते हैं, एक कोट है ना, सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज़ डिफिकल्ट टू बी सिंपल, बट आई बिलीव इट्स वेरी ईजी टू बी सिंपल, यू जस्ट बी सिंपल। तो इंशाल्लाह हम लोग इसके ऊपर आगे काम करना शुरू करेंगे, और अल्लाह खैर का मामला रखे सबके साथ। मैं तो दुआ कर रहा हूँ, आप लोगों से भी दुआ का वो दुआ गो हूँ कि तमाम दुआ करें कि मुल्क और मुल्क के लोगों की तरक्की हो, कोई भूखा कोई तकलीफ ज़दा ना दिए। तो इंशाल्लाह हम लोग जब इसके साथ काम करना शुरू करेंगे, सब मिलके काम करना शुरू करेंगे, तो तरक्की खुद ब खुद आएगी भाई। अगर 10 लोगों का काम 100 लोग एक जगह इकट्ठा होकर करना शुरू कर दें तो 5 मिनट में काम हो जाता है। हम किसी से कम नहीं हैं, हम अपने आप को कम आंकते हैं, क्यों? क्योंकि ये लोग डिवाइड करके रखे हुए हैं, किस्सों में तकसीम करके रखा हुआ है, डिवाइड करके रखा हुआ है, तो अब डिविजन नहीं होगा इंशाल्लाह, अब एकता का काम होगा। खैर इसके ऊपर आगे बात होगी, तो कल विक्ट्री सेलिब्रेशन में कोई अपना आपा ना खो दे, कोई जज्बात में ना आ जाए। और मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से भी कहूँगा, जो कार्यकर्ता जमा हो रहे हैं दंगों फसाद की नीयत से, तो भाई मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी अपील करता हूँ, सेक्रेटरीज को भी अपील करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस को भी अपील करता हूँ, उन तमाम लोगों से अपील करता हूँ जो भारत के संविधान की ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बनी हुई है, मैं उन सब से अपील करता हूँ। देखिए, अगर आप लोग वाकई संविधान की प्रति आपने शपथ ली है और संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो भगवान के लिए एक दिन सच्चाई के साथ अपना धर्म निभा दो, अपना कर्तव्य निभा दो, तुम्हें भगवान भला करे, तुम्हारे साथ भगवान भला करे, तुम्हारी आत्माओं को शांति दे अगर तुम मरो तो। एक बार ना ईमानदारी से नौकरी कर लो यार, एक बार ईमानदार हो जाओ और ये कल फितना फसाद को रोक दो प्लीज़। और प्रेसिडेंट साहब, अगर आप वाकई भारत के प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट सिटीजन हैं अगर आप, तो प्लीज़ सच्चाई के साथ एक दिन अपना कर्तव्य निभाओ, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा हम आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, उस पद की इज्जत करते हैं, अपनी इज्जत को बरकरार रख लो बस। चलिए, जय हिंद, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।